हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। और आशा कर रहा हूँ ये जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आप इन्हें बड़े अच्छे से यहाँ पे देख रहे हो। तो जैसे आपने देखा था, हमने शिफ्ट 3 स्टार्ट कर दिया था 5 जुलाई का, और आज हम इसको फटाफट से फिनिश करेंगे। और साथ ही में 6 जुलाई का पहला शिफ्ट भी यहाँ पे शुरू करने का पूरा पूरा है ना प्रयास कर देंगे। और आप अच्छे से अगेन प्रैक्टिस के लिए कनेक्टेड रह सकते हो। जो नए बच्चे जुड़े हैं, यहाँ पे प्रोफाइल आप देख सकते हो। जस्ट इन केस आपने अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फटाफट से फॉलो कर लो, सारी अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप हमारे साथ और बेटर वे में कनेक्टेड रहेंगे, है ना। तो फटाफट से क्वेश्चंस शुरू करते हैं, और कुछ भी आपका डाउट हुआ तो अगेन आप कमेंट में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, जहाँ पे ये एनालॉजी का सवाल था कि ये आपस में रिलेटेड है और हमें आखिरी वाला रिलेशन ढूंढना है कि ये कैसे रिलेटेड है। तो अगर मैं ये चेक करने को जा रहा था तो देखो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो पहले मैं ये देखूँ कि ये इससे कैसे कनेक्टेड हो रहा है एंड सो ऑन। बट मुझे यहाँ पे सी से एफ जाना थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि कैलकुलेशन ईजी है। ऑल्दो यहाँ भी +3 ही था, यहाँ भी +3 ही है और यहाँ भी +3 है, बट यहाँ पे +3 +3 तो आसान ही है। ऊपर से 12 और 21 देखने का आसान चीज ये हो जाती है कि इनमें 9 9 का गैप है ना। 12 से 21 में 9 का गैप है। अब आप कहोगे 72 और 29 में तो सर 9 का गैप नहीं है। एक्चुअली क्यों ऐसा है, क्योंकि वो इनकी पोजीशन ऐड हो रखी है। तो जैसे आपने C+D+E किया तो इन सब का टोटल आप करोगे 3 4 7 और 5 12, और फिर आपने जब FG और H किया है ना, यानी 6 7 13 और 8 21। तो यानी ये बेसिकली हर टर्म में जब तीन तीन ऐड हो रहा है तो वो टोटल में भी 9 ऐड होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं ये क्वेश्चन को करने को देखता तो ये 30 है, तो यहाँ पे 39 ही नंबर बनता, जिससे ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाते। और फिर हमको बस ये चेक करना था कि कौन से में जोड़ वाकई 39 आता है ना। जैसे MNO तो वो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि 9 है, 9 में 3 जोड़ोगे तो 12 बनेगा, दैट इज L। तो M से तो शुरुआत हो नहीं सकती, तो L और फिर M और फिर N। तो बेसिकली क्या हो रहा था, हर अक्षर जो है वो +3 हो रहा है, ठीक है, वो +3 होके आया। और फिर जो नंबर्स है वो कैसे बना, वो पहले तीनों अक्षरों का जोड़ था, सम था, ठीक है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक सेकेंड दीजिएगा, है ना। चलिए कि सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन AB इज एज शोन। तो अगर इसका हमको मिरर इमेज निकालना है, तो अगर ये चीज यहाँ पे ऐसे दिख रही है रेड वाली, तो ये इस तरफ आपको दिखाई देनी चाहिए। एक बार ये चेक कर लो, ये सारे ही ऑप्शन में थी। अगर ये पाए ऐसे दिख रहा है ना, पाए की शेप जैसा, पाए मतलब वो एप्पल पाए कर रहा हूँ मैं, खाने वाली, मैथ्स वाली नहीं, तो ये ऐसे दिखना चाहिए। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, इसमें तो उल्टी शेप बन के आ रही है ना। अब मैं अगर ये लाइंस चेक करूं, ये इधर से ऐसे दो नीचे की तरफ आ रही है, तो जब मैं इसको इस तरह बनाऊंगा तो ये दो ऊपर की तरफ आना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगेन ये कैंसिल हो जाता है। और जो लास्ट शेप है ये तो बहुत इजी है, ये इधर से सिंपली ऐसे बन रहा है, तो ये इधर से भी सीधी लाइन के अकॉर्डिंग बनना चाहिए था। इसमें टेढ़ी लाइन जा रही है तो ये भी नहीं है, तो इवेंचुअली ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, और यही आपको करना था, ठीक है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अगेन एक ये थर्ड लेटर क्लस्टर से रिलेटेड है, आपको बताना है, मतलब पहले दो लेटर रिलेटेड है, आपको थर्ड से फोर्थ बताना है, ठीक है। इसको हम एनालॉगी चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। तो अगेन आप यहाँ पे सिंपली देखो कि ये 16 है, ये 13 है, तो 3 जो है कम हुए, ये 9 है, ये 14 है, तो 5 जुड़ गया। तो पहले 3 कम हुआ था, फिर 5 जुड़ गया, तो अगर 18 में से 3 कम करोगे तो 15, यानी ओ, ये 15 में 5 जोड़ोगे यानी 20, तो OT वाले आपके दो नंबर आ गए। और ये 7 से 26 तो -7 होगा, ठीक है, तो ये 12 से -7 करोगे 5 यानी ई, तो OTE आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली एक बार -3 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर -7 हो रहा है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, हो
हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है। चलो 21st क्वेश्चन सीरीज का सवाल है। देखो एक एक जो नया एरो है ये वो तीर है, पहले एक बार उसके ऊपर आगे आ रहा है, एक बार पीछे आ रहा है, फिर ये वाला चेक करो आगे आया, तो अब अगली बारी है कि इसके पीछे यहाँ पे आएगा, बाकी तो सेम ही रहा सब कुछ। तो ये जब आप ऑप्शन देखोगे ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई देगी, और ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें तो बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं, इसमें ये एरो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और इसमें अगेन ये वाला एरो अलग डायरेक्शन में है, हमको एक ही लाइन में चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द पेयर ऑफ लेटर क्लस्टर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज शेयर्ड बाय द गिवन पेयर। तो अगेन यहाँ पे आपको सिंपली ये देखना है, 3 से 6 तो +3 हुआ इन दोनों में, 18 से 21 इसमें भी +3 हुआ, और 15 से 18 इसमें भी +3 हुआ, यानी सब में आपको +3 +3 ही करना था। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करने को जाओगे तो 13 से 16 +3 ठीक है, 9 से 12 ये भी +3 ठीक है, 16 से +3 19, तो यहाँ पे एस आना चाहिए था, टी नहीं, तो ये नहीं होगा। अगेन यहाँ पे अगर 6 है यहाँ पे 8 है तो ये +2 हो रहा है, अपने को +3 चाहिए तो ये नहीं होगा। अगेन यहाँ पे 16 और 20 गिवन है, ये +4 है, हमको +3 चाहिए, ये नहीं होगा। तो ये आंसर है, और इसमें आप चेक भी कर सकते हो अगेन TCS और WFV में कि ये +3 +3 सब में हो रहा है, चाहे आप ऐसे चेक कर लो। ठीक है, और ये आपका आंसर भी बन जाएगा सही है जो कि। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, तो ऐसा नंबर बताना है जो इस सीरीज में लाई ना करता हो। तो देखो 147 से 293 और ये सारे नंबर जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, 147 का अगर मैं दुगना करूं, 147 का डबल करो तो वो कितना आ जाता है, 294, और उसमें से एक कम हो गया तो -2 -1 हुआ है ना, उसमें से एक कम हुआ ना 293। अब 293 को अगर मैं डबल करूं तो 586, और ये उससे +1 गिवन है, तो ये नहीं कि इसे मार्क कर दो पहले वाले में -2 -1 था, ये अभी हम चेक कर रहे हैं, इसमें -2 +1 हो रहा है। ठीक है, 587 से 1173 अगर चेक करना है तो 587 का दुगना करो, अगेन 500 का दुगना 1000, 80 का दुगना 160 तो 1160 और 14, ठीक है, तो सिंपली 1174 हो जाएगा, और अगेन ये -1 हो रहा है तो ये फिर से -2 -1 हुआ। तो यानी ये पैटर्न क्या चल रहा है कि पहले वाले नंबर का गुना 2 किया 1 घटाया, फिर दूसरे वाले नंबर का गुना 2 किया 1 जोड़ा, फिर तीसरे नंबर में से गुना 2 किया 1 घटाया, अब फिर से हम क्या करेंगे इसका दुगना करेंगे और +1 करेंगे, और यूनिट डिजिट से ही पर मुझे पता लग गया कि 3 का दुगना करते हैं तो 6 आता है, +1 करेंगे तो यहाँ पे 7 आना चाहिए था, चाहे आप करके भी देख लो। तो -2 +1 यहाँ पे नहीं हो रहा, यानी ये टर्म गलत है, यानी यहाँ पे 2347 आना था, क्यों, क्योंकि 1173 का जब -2 करते हैं तो वो हमारा 2346 बनता है, हमको 2347 चाहिए है ना, और ये उसके आगे वाला करके भी देख लो, फिर उसका -2 -1 करेंगे तो ये आंसर आ रहा है, तो ये टर्म हमारी गलत है, 2346 की जगह 2347 होना चाहिए था। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है, सिलॉजिज्म का सवाल है, ऑल टी आर क्यू, सारे के सारे जो टी हैं वो क्यू हैं, कुछ ऐसे, नो एम एस टी, कोई भी एम जो है वो टी नहीं है, मैं ऐसे जान के बना देता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी एम टी नहीं है तो कोई भी टी एम नहीं होगा, ये तो हमें सीधा सीधा इससे दिख जाता है, सम क्यू आर नॉट एम, तो ये भी सही है। अब ये क्यों सही है, देखो सारे के सारे क्यू तो कभी भी एम नहीं हो पाएंगे ना, ये वाला जो हिस्सा है क्यू वाले सर्किल का जो टी में है ये कभी भी एम नहीं होंगे, तो हम ये कह सकते हैं ना क्यू का जो ये वाला हिस्सा है जो मैंने रंग भर दिया ये कभी भी एम नहीं होगा, तो ये बात भी सही है, जब ये सही होगी तो दोनों बात सही होगी, दोनों बात सही होगी तो आपका आंसर हो गया
बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। ठीक है, क्लियर है, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो एक बार आप इसको अकॉर्डिंगली चेकआउट कर सकते हो। 25th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ये फिगर एम्बेडेड है, आप बताओ कहाँ पे है। जब आप ये वाली फोटो देखते हो तो ये सिंपली, ये तो बहुत ही आसान है कि यहाँ पे दिख रही है ना, और इससे हमारा आंसर भी 3 हो जाएगा, और कहीं ये हमें फिगर भी नहीं दिख रही। ठीक है, इसी के साथ हमारा डे वन फिनिश हुआ। तीनों शिफ्ट हमने इन तीन चार क्लासेस में खत्म करी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं डे टू, जिस दिन ये पेपर हुआ, दैट इज 6th ऑफ जुलाई, उसका शिफ्ट वन अभी शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए रिमेनिंग टाइम क्लास में, और फिर उसको आगे हम और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगेन मैं स्पीड उस अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा हूँ कि आप जैसे प्रैक्टिस कर पाओ, और किसी बच्चे ने अभी तक रीजनिंग कम पढ़ी है तो वो रिलेट कर ले कि पेपर में क्या आएगा, और अपना बेस्ट इस गिवन टाइम में दे के आ सके। ठीक है ना, तो कोशिश यही है कि आप बेहतर हमेशा कर पाओ। क्वेश्चन नंबर वन सीरीज का एक सवाल था यहाँ पे, जहाँ पे 2005 से 2022 यानी 17 जुड़ेंगे, 2022 से अगर मैं 41 देखूँ तो 19 जुड़ेगा, 41 से अगर मैं 64 देखूँ तो 23 जुड़ता है, तो यानी यहाँ पे प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर ऑड नंबर होते तो 21 ऐड होता, और प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो या तो खुद से ही या एक से डिवाइड होते हैं। तो 23 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर यहाँ पे 29 आ रहा है, और 29 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 31, क्योंकि 30 तो है नहीं, और 31 जब इसमें ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 324, दैट इज ये वाला ऑप्शन, और ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका आंसर भी था। क्या ये क्लियर हो गया, एक बार चेक कर लो। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि टी वाई आर का कोड गिवन है, गैप का कोड गिवन है। देखो टी वाई आर में मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन का ऐसा लगता है, पर ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, गैप की कैलकुलेशन बहुत ही आसान है कि 7, 1 और 16, तो 7 और 1 8, 8 और 6 24, 24 में 2 जोड़े तो 26 आया। अब 2 क्यों जोड़े, या तो वो कॉन्सोनेंट हो सकते हैं 2, पर वो एमटीएस में ऐसे देता नहीं, 2 अपनी मर्जी से जोड़ दिए होंगे। तो सम ऑफ अल्फाबेट पोजीशंस, अल्फाबेट के जो पोजीशन थे, जो अक्षर की पोजीशन थी, उन सबका जोड़, और उसमें 2 और जोड़ दिया। अभी तक ये देखा है, टी वाई आर में एक बार करके देख लो, 20, 25 और 18, तो 45 और 18, 63, और इसमें भी 2 जोड़ा है, तो बस हमें यही करना है। अब मौज निकालनी है तो मौज कर दी, 13, 15, 28 और 10, 38, और 2 प्लस और करना है तो 40 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू 6th वर्ड। ओके, अगर स्पीच डम से रिलेटेड है ना, जैसे डम मतलब हम ये कह देंगे कि जो बोल नहीं पा रहा है ना, कि गूंगा है, साइट यहाँ पे हम जो देख नहीं पा रहा है ना, दृष्टि से रिलेटेड हो गया कि ब्लाइंड है, यानी अंधा पर्सन की बात हो रही है। डेफ सुन कौन नहीं पाता, जिसको ध्वनि का नहीं पता लग पा रहा, तो साउंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अब वाइब्रेशन होती है साउंड में, बट साउंड करेक्ट साइंटिफिक वर्ड है, वॉइस भी साउंड के अंदर ही आती है, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे साउंड था। प्लीज वॉइस मत करना, वॉइस इज अ टाइप ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड में सारी आपकी जो भी ध्वनियां हैं, कोई भी वो आवाज हो तो साउंड के अंदर आती है, तो साउंड वर्ड चूज करोगे ना कि वॉइस, इस चीज का आप ध्यान प्लीज रखना, है ना, जल्दबाजी में वॉइस ही मार्क हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक निश्चित कूट भाषा में अगर ये हमको गिवन है, और हमको किसका कोड बताना है, शाइनी फ्लोर्स का। ठीक है, अगर मार्बल्स आर शाइनी का यहाँ पे कोड गिवन है TP TR 6, तो इन तीन में से कोई एक आंसर में होने चाहिए। यहाँ पे TP है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस हैं कि 6, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वो हम चेक भी कर लेंगे। अगर मैं ऊपर और नीचे वाला देखूं, क्योंकि इसी के साथ लिखा है मार्बल, और मार्बल इन दोनों में कॉमन था, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, और जो कोड वर्ड कॉमन आ रहा है वो TP आ रहा है, यानी मार्बल का कोड TP है ना, ऑल्दो वो किसी ऑप्शन में भी नहीं था, बट हमको पता लग गया।
अगर टायर आर हार्ड वाइट का कोड भी हमको गिवन था कि अगर आपने ये निकालने जाना है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि शाइनी का कोड निकल जाए, यानी TR और 6 का। अब R वर्ड से मुझे पता चला, मैं कलर चेंज करता हूं, है ना, आर शब्द जो कि यहाँ पे लिखा है, या मैं नीचे वाले में मार्क कर देता हूँ, आर इसमें भी था और आर इसमें भी है, और कोई इसमें कोड वर्ड फाइनल भी नहीं है क्योंकि मार्बल का तो हम निकाल चुके हैं कि TP है। अब इन दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है? TR। TR इधर भी है, TR इधर भी है, तो आर वर्ड का जो कोड है वो TR हो गया, तो शाइनी का मतलब 6 होगा, शाइनी का मतलब 6 होगा। 6 के लिए मतलब हमको ये चीज कट कर देनी है, तो इन तीन में से कोई हमारा आंसर है। ठीक है, अब मुझे शाइनी वर्ड का पता लग गया, मुझे फ्लोर्स देखना है। अब फ्लोर्स और वाइट मेरे बच्चे, फ्लोर्स और वाइट जो कि यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, TP हम ऑलरेडी काट चुके हैं, तो या तो आंसर AJ है या PR है, तो AK वाला तो कभी भी आंसर नहीं होगा, तो इसको कट कर दो। अब AJ और PR में आप देखोगे PR वर्ड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे वाइट शब्द भी आ रहा है, वाइट शब्द भी आ रहा है और PR वर्ड रिपीट भी हो रहा है, तो यानी PR ही तो होगा जो वाइट का कोड होगा, और हमको तो वाइट नहीं चाहिए ना, हमको तो वाइट नहीं चाहिए, यानी इसको हम कैंसिल करेंगे, तो एक ही ऑप्शन बचा AJ6। तो फ्लोर का कोड हमारा AJ आ गया और शाइनी का कोड 6 था। ये ऑर्डर में उसने नहीं लिखे क्योंकि बहुत बच्चे देखेंगे कि 6 आया, ये आंसर है, ये उन्हें जंबल करके लिख दिया कि बेटा करो गलती। ठीक है, तो एलिमिनेशन इसमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ा क्योंकि उसने दो यहाँ पे शब्द हमसे पूछे थे। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मैथमेटिकल साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक इट करेक्ट। तो हम कौन सी दो ऑपरेटर्स को चेंज करें ताकि ये एक सही इक्वेशन बन जाए, है ना। कई बार अगेन ध्यान रखना, वो पूछता है कि सही नहा बने, यहाँ पे पूछा है कि सही बन जाए। तो मेरे बच्चे आप खुद दिमाग लगाओ, 31 डिवाइडेड बाय 14 है, तो डिवाइड को तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर डिवाइड यहाँ से ना हटा, अगर डिवाइड यहाँ से ना हटा तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, और ये हमारा इंटीजर वैल्यू आ रही है। अगर मैं डिवाइड को प्लस के साथ चेंज करूं तो यानी यहां पर डिवाइड आ जाएगा, 9/3 डिवाइड होता है, ये आंसर हो सकता है। अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई वाले के साथ इंटरचेंज करूं, यानी इधर, तो खुद दिमाग लगाओ, 31 × 14/9 वो कह रहा है, तो ये भी तो फ्रैक्शन ही देगा, तो ये भी आंसर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वाले के चांसेस सबसे ज्यादा है, हम उसको अभी ट्राई कर लेते हैं कि 31 यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो हम इधर कर देते हैं प्लस 14 × 9/3 − 7, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। अगेन 9 डिवाइडेड बाय 3, आपका 3 आ जाएगा, 14 × 3 = 42 आ जाएगा, तो 31 + 42 − 7, 73 − 7, 66 आपका आंसर आ जाता है। तो 66 आपका फर्स्ट ऑप्शन से आंसर आया, तो आप सिंपली इसको मार्क कर सकते हो, 66 66। ठीक है, आसान था। अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बहुत सारे सवाल आएंगे, तो ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये काफी इंटरेस्टिंग बन सकता था, पर अगेन 31 से 48 इन्होंने बहुत सिंपल वे, कोई स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं देखा, बस सिंपली +17 कर रखा है, और आप फिर इस ऑप्शन में देखोगे तो +17 हो रखा है, और आप इसको मार्क कर दोगे। अभी इससे हमें ये आइडिया भी लग जाता है कि कई बार हम SSC के CGL CHSL के पेपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बैंकिंग भी कुछ बच्चे पैरेलल ही कर रहे होते हैं, तो ये ना हो कि क्वेश्चन देखिए आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें सोचने लगो, आप ये सोचने लगो कि 3 + 1 = 4 बन गया, 4 से × 12 कर दिया, है ना, या 4 का² × 3 कर दिया। बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, तो क्योंकि रीजनिंग है ना, कोई लिमिट नहीं है, तो पर आप पहले सबसे बेसिक सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें एक बार चेक कर लो, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सीरीज का एक सवाल है, यहाँ पे क्या आएगा आपने देखना है। तो
तो कोई एक फिगर पकड़ते हैं, जैसे प्लस की बात करें तो प्लस यहां से आया, यानी एक जगह शिफ्ट हुआ, फिर यहां से जब वो गया घूम के तो इधर आया, यानी इस फोटो से इधर आने में दो जगह शिफ्ट हुआ। एक बार चेक कर लो कैसे हुआ ना, पहले इधर से इधर आया था। अरे सर्किल यहाँ गिवन है, मैं प्लस ही बना देता हूँ। तुम बच्चे कहोगे कि सर बोला भी रहे हो बना हो दिया है ना, तो कोई कंफ्यूज ना हो कि प्लस बेटे पहले फर्स्ट बॉक्स में था, फिर सेकंड बॉक्स में आया तो प्लस वन हुआ है ना, फिर सेकंड से घूम के इस ब्लॉक्स में आया तो ये आपका वन और टू प्लस टू हो गया, फिर यहां से घूम के एक दो तीन यहाँ पे हमको नीचे दिखाई दे रहा है, दो से यहाँ पे घूम के इधर आया तो तीन हुआ। अब पहले एक जुड़ा दो जुड़ा चौथा जुड़ेगा, यानी अपनी जगह पे ही आ जाएगा, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा, तो ये प्लस है यहाँ पे आ गया। ऐसे ही आप चेक करो तो सबके साथ ही यही हो रहा है। आप कलर से मैं चेंज करके दिखाता हूँ, ये इधर से इधर आया तो एक पोजीशन चेंज हुई, फिर यहाँ पे आया तो दो चेंज हुई, फिर यहाँ पे आया तीन हुई, अब चार चेंज हुएगी तो इधर ही आएगा। इसी से हमें पता लग गया कि ये हमारा आंसर है। और जब मैंने चेक किया तो सारे के सारे सिंबल, आप कोई भी सिंबल पिक करते सब में यही हो रहा था। तो प्लस फोर करने से, क्योंकि चार ही ब्लॉक थे, तो वो अपनी जगह वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है, सम टैबलेट आर लैपटॉप, कुछ टैबलेट्स जो हैं वो लैपटॉप हैं, तो यानी ऐसे। ठीक है, सम लैपटॉप आर कंप्यूटर, अगेन कुछ लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर है, तो कुछ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, सम टैबलेट आर कंप्यूटर, देखो अब टैबलेट कंप्यूटर हो सकते हैं पर गारंटी नहीं है ना, गारंटी नहीं है। सम लैपटॉप आर नॉट टैबलेट, अगेन इसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, पर ये तीनों बराबर भी तो हो सकते हैं, या कुछ अलग सिचुएशन भी हो सकती है, तो इसकी भी गारंटी नहीं है। जब दोनों की गारंटी नहीं है तो हम क्या कहेंगे, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलो, ना तो एक अनुसरण करता है ना कि दूसरा। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या कह रहा है, 16, 38, 26, 58, अगेन 16 से 38 जाना है तो गुना दो करोगे, 32 प्लस 6 हो गया, 26 से 58 जाना है तो इसका गुना दो करोगे तो 52 प्लस 6 हो गया, तो 37 गुना दो 54 और 6 60 आपका आंसर हो जाए। अरे 37 इंटू टू, हिंदी में शायद मैंने बोलने में गलती कर दी, 74 74 और 6 80 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा है ना। तो वो लैंग्वेज की कमांड करके थोड़ा सा ऐसे निकल गया, बट चलो। और अगेन यूनिट डिजिट से जाते हैं तो 7 2 4 + 6 0 यहीं पे दिख रहा था। ठीक है, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10th, 10th में क्या है कि अगर ये फोटो को पहले ऐसे घुमाया गया है शीट को, फिर ऐसे अब इसको ओपन करना है, तो जब हम इसको ये वाला पलटी पहले खोलते हैं मेरे बच्चे, तो हमें ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन के दिखाई देगा, और ये वाला जो वी है, अगर मैं इनको वी बना दूं तो ये यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला अगर ऐसे था तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। मैं एक मिनट फिर से रब करके आपको दिखाता हूँ है ना। अगेन आप इसको ऐसे जल्दी कर सकते हो कि ये सिंपली एक वी सोच लो, तो यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा और ये वाला आपको ऐसे दिखाई देगा। अगर मैं ऐसे चेक करने को जाऊं तो ये ऐसे और ये वाला ऐसे होना चाहिए था, ये गलत, इसमें तो ये टेढ़ा ही हो गया तो ये गलत, इसमें अगेन ये और ये ठीक है, ये और ये हमको ऐसे गिवन थे तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, अभी तक ये सिचुएशन है। अब जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे देखता हूं, जब ये लेफ्ट साइड में अपन चेक करते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जो ये वाला पोजीशन है वी की बेटे, वो ऐसे से जब इधर आएगा तो इसी पोजीशन में आनी चाहिए थी ना, तो यहाँ पे गलत हो गई, ये वाली पोजीशन गलत हो गई, इसमें सही है तो वन आंसर है, क्योंकि जब हम इसको इधर टर्न करेंगे तो ये इसी पोजीशन में आना चाहिए था, यानी जो ये इसमें गिवन है अगर मैं कलर कर दूँ। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप इनको सिंपली देख सकते हो, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इलेवेंथ, इलेवेंथ में क्या कह रहा है कि गुड का ये कोड है, बेस्ट का ये कोड है, तो कैसे करेंगे। अगेन अगर गुड का कोड आपको दे रखा है ना, तो हम इसमें क्या करें, जी से एच यानी 7 से 8 तो प्लस 1 हुआ, 15 से 19, आई होप सबको नंबर्स याद हो,
हर क्लास में मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एक मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा यूसी लाइव, आप सर्च कर सकते हो रोल ऑफ अल्फाबेट्स ऑन यूसी लाइव, ठीक है? तो वो वीडियो आप देख सकते हो, आपके सारे अल्फाबेट्स की तैयारी हो जाएगी, ठीक है? अच्छे से तो 15 से 24, तो मेरे बच्चे ये कितना हुआ, +9 हुआ, और ये 4 से 20 यानी +16, यानी ये स्क्वायर नंबर्स ऐड हो रहे हैं। ये 1 का स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर होगा। ये यहाँ भी चेक कर लो, 2 + 1, E+4, S+9 और T+16। अब T+16 में अगर किसी को डाउट है तो T20 + 16 हुआ 36, जिसको हम लिख सकते हैं 26 + 10। 26 का मतलब जे जेड तक आ गया और 10 मतलब जे, ठीक है? तो वो तभी आया। अब कूल में अगर ऐड करना है तो C+1, तो आपका आसान होगा डी। इसमें +4 ऐड करना है, ओ होता है 15 और 4 19, तो सर डेट इज एस। ओ में अगेन ऐड करना है 9, तो 15 और 9 24, दैट इज एक्स। और 12, अब 12 में 16 ऐड करना है तो 28, 28 क्या होता है 26 + 2, यानी जेड तक हो गया और 2 का मतलब बी, तो TSXB ये आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4th। क्या ये चीज क्लियर हो गई, एक बार चेक कर लूं, ठीक है? ओके चले आगे, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12th में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कि अगेन एनालॉगस पेयर, इनके जैसा एक और हमें समूह देखना है कि कौन सा है या कौन सा हो सकता है। तो अगर ये 13 है, ये 11 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 कम हुआ, ये 15 है, ये 13 है, तो यहाँ भी 2 कम हुए। अगर मेरे बच्चे ये 2 है, ये 26 है, तो यहाँ भी 2 कम हुए। अगेन 2 को अपन 26 + 2 भी लिख सकते हैं ना, 28, तो -2 भी हुआ, तो सब में दो दो कम करना है। तो ए से वाई -2 होता है, जे से एच -2 होता है, पर के से एन के लिए प्लस हो गया, तो ये हो गया -2 -2 + 3, तो ये तो नहीं चाहिए, ठीक है? 12 से 10 अगेन -2, 15 से 13 -2, 16 से 14 -2, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है जिसमें -2 -2 आपको दिखाई दिया। आप बाकी भी चेक कर सकते हो, इसमें +2 आ गया तो ये कैंसिल हो गया। अगेन इसमें जब आप बी से जेड का आप चेक करते हो, -2 आपको दिखता है, 20 से 18 आपको -2 दिखता है, पर 19 से 16 में -3 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो 2 ही हमारा करेक्ट आंसर था, ठीक है? समझ में आ गया, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे हमें ढूंढना है क्या आएगा। ये तो बिल्कुल बुक और शीट वाला ही सवाल था, कि सिंपली आपने इसको यहाँ पे फिल कर देना था, इन दोनों को जोड़ देना था, और इससे हमें क्लियर कट दिख जाता कि इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, क्योंकि ये इसी में आ रहा है, और सिमेट्री ढूंढनी थी बस, इसमें तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 भी, अगर ये शेप हमें ढूंढनी है और रोटेशन का कोई चक्कर नहीं है, तो ये यहाँ पे हमें दिखेगी सीधा सीधा, ये ऊपर वाले से, है ना? तो ये 3 यहाँ पे दिख जाते हैं, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि 2 इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन भी मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 15th, इजी क्वेश्चन, बट अगेन ऐसे टाइप CGL और CHSL में थोड़ा मुश्किल लेवल में आता है ना? आई होप वो बच्चे रिलेट तो सभी कर लेंगे, बट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट समझें, क्योंकि आपको एग्जाम का अवेयरनेस होना चाहिए, फर्क दिखना चाहिए कुछ कुछ चीजों में, है ना? तो आप ये कहोगे ये सब तो सेम रहा, यहाँ पे +1 हो गया, है ना, यहाँ भी सेम रहा, यहाँ पे +1 हो गया और ये भी सेम रहा, तो ऐसा क्यों? फिर आप कहोगे क्या इनका पोजीशन है कि ऑड इवन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ध्यान से देखोगे जो वोवल थे ना, वोवल्स मतलब ए ई आई ओ यू, उनमें +1 हुआ, कॉन्सोनेंट अपनी जगह सेम रखे, ठीक है? ये अगले में चेक करो, सर्टेन था तो सी सेम रहा, आर सेम रहा, टी सेम रहा, आई का +1 हुआ, एन सेम रहा, तो जो वोवल थे उनमें तो +1 हो गया, है ना? पर जो कॉन्सोनेंट थे उसमें नहीं हुआ, तो क्यूइंग अगर मुझे देखना है तो क्यू, अगेन ये सारे वॉवल हैं, तो यू में +1 करते हो तो वी, ई में +1 करते हो तो एफ, यू में फिर +1 करते हो वी, ई में +1 करते हो एफ, आई में +1 करते हो जे,
तो VF VFJ आपको यहाँ पे दिखना चाहिए था, आपको यहाँ पे दिखना चाहिए था, आपको यहाँ पे दिखना चाहिए था, जो अभी तक किसी ऑप्शन में नहीं दिखा। VF VFJ बस इसी ऑप्शन में है और ये आपका करेक्ट आंसर है, और बाकी तो सब सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि वो वॉवल नहीं है, तो ये आपका बन गया। तो वॉवल में प्लस वन, जो कॉन्सोनेंट है उनमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम एरो से शुरू करें मेरे बच्चे, ये ऊपर देख रहा है, फिर ये ऐसे रोटेट हो रहा है 45 डिग्री। अगर आप चेक करो, ये इधर आया फिर उसके बाद इधर आया, तो अब ये इवेंचुअली ऐसे नीचे देखेगा, नीचे के साथ जैसे देखेगा तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गई। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कलर कौन सा ऑब्जेक्ट पे है, तो एक बार रॉम्बस पे है, स्क्वायर पे, फिर पेंटागन पे, फिर रॉम्बस पे, फिर पेंटागन, तो रॉम्बस की बारी है, तो ये वाला ही ऑप्शन सीधा सीधा कैंसिल हो जाती है। अगर अब मैं पोजीशन चेक करने पे आऊं, तो जो हमारे क्रॉस भी है वो अल्टरनेट फिगर में आ रहे हैं, इधर है ना, फिर इधर है, तो अगली में होंगे और ऊपर होंगे, क्योंकि वो ऐसे ही चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, इधर का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये आपका सही आंसर होगा। बाकी कोई शेप देखोगे वो भी ऑल्टरनेट फिगर में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जा रही थी, ठीक है, एक बार आप चाहे उसको चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो इतना करिएगा, है ना, और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में ये पेपर खत्म करके शिफ्ट 2 भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, सेशन अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कुछ भी आपको टॉपिक में डाउट लग रहा है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो, और कुछ भी वैसे भी दिक्कत आ रही है तो वो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो और बिंदास होकर तैयारी करो, ठीक है, बाय बाय।